हमसे पूछ रहे थे नवाब साहब कि पैसे कहां से आए, कहां लगे। हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। अच्छा किया अम्मी जी, अब्बा जी को इस वक्त इन बातों से दूर रखना चाहिए। अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है कि उन्हें ये सारी टेंशन्स दी जाएं। अम्मी जी, ये शकील भाई मुसलसल हमारी जिंदगियों में परेशानियां खड़ी कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो अब्बा जी की जान उनकी वजह से खतरे में पड़ गई। अम्मी जी प्लीज, कुछ भी करके अब इनसे दूरी इख्तियार करें। बेटा ये नहीं हो सकता, बस अल्लाह पे छोड़ दे सब कुछ। अच्छे और बुरे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं और इन्हीं में हमें रहना पड़ता है। अब आप शकील मियां को देखिए ना, हर वक्त वो हमारे लिए कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देते हैं। और दूसरी तरफ आपके सर रजा हैं, जो हर मुसीबत में हमारे लिए सहूलत पैदा करते हैं। इसी बुराई और अच्छाई का तवाजुन, इसी को जिंदगी कहते हैं। हम शकील मियां से फासला तो रख सकते हैं, लेकिन उनसे दूरी रखना हमारे लिए नुकसानदेह है। अम्मी जी, अब तो वो बाकायदा हमारी बेइज्जती करने लगे। बेटा, इससे तो अल्लाह देने वाला है, ये लोग क्या कर सकते हैं हमारा। बस सब अल्लाह पे छोड़ दें, फिर देखिए उसके रंग। परेशान ना हो।